में ही ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर पीटर नेविल ने कितने साल की उम्र में विकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान किया है? 36 साल। हाल में ही ब्रिटिश सिंगर टॉम पार्कर के कितने साल की उम्र में ब्रेन ट्यूमर के चलते निधन हो गया? 33 साल। हाल में ही बेल्जियम के फुटबॉलर मिगेल वैन डैम का कितने साल की उम्र में निधन हो गया? 28 साल। हाल में ही जिफ बनाने वाली स्टीफन विल्हाइट का कितने साल की उम्र में निधन हो गया? 74 साल। उन्होंने जिफ का निर्माण 1987 में किया था। जिफ का फुल फॉर्म ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, GIF। हाल में ही दुनिया की नंबर वन टेनिस खिलाड़ी एस्ले बार्टी ने कितने साल की उम्र में टेनिस से संन्यास का ऐलान किया है? 25 साल की उम्र में। एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया से हैं। इन्होंने अपने टेनिस कैरियर में 3 ग्रैंड स्लैम और 15 सिंगल्स खिताब जीते हैं। हाल में ही किस स्विस संगठन IQ एयर की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है? बांग्लादेश। वहीं भारत का स्थान 15वां है। हाल में ही अमेरिकी रिपब्लिकेशन प्रतिनिधि डॉन यंग का कितने साल की उम्र में निधन हो गया? 88 वर्ष के उम्र में। हाल में ही हॉलीवुड अभिनेता अकीरा तकरादन का कितने साल की उम्र में निधन हो गया? 87 वर्ष के उम्र में। अकीरा तकरादा जापान से थे। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे खुशहाल देश है? फिनलैंड। वहीं भारत के स्थान 146 देशों की सूची में 136वें स्थान पर है। हाल में ही यूक्रेन की अभिनेत्री ओसाका स्वेट्स का कितने साल की उम्र में निधन हो गया? 67 वर्ष के उम्र में। 17 मार्च 2022 को किस देश की प्रतिभागी को मिस वर्ल्ड 2021 चुना गया? करोलिना बिलास्का का, जो कि पोलैंड से हैं। हाल में ही किस महिला को हंगरी का राष्ट्रपति नियुक्त चुना गया है? कैटलिन नोवाक को। वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। हाल में ही पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का कितने साल की उम्र में निधन हो गया? 92 साल। हाल में ही किस देश की एयरलाइन ने सूर्य के प्रकाश से बने ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बनने का ऐलान किया है? स्विस एयरलाइन ने। हाल में ही किसे दक्षिण कोरिया का अगला राष्ट्रपति चुना गया है? यूं सुक योल को। हाल में ही किस देश की पर्यावरणविद अधिवक्ता को वर्ष 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार के लिए चुना गया है? रिजवाना हसन, जो कि बांग्लादेश से हैं। हाल में ही रूस के केंद्रीय बैंक ने प्रमुख ब्याज दर 9.5% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है? 20%। हाल 23 जनवरी 2022 को किस अफ्रीकी देश की सेना ने तख्ता पलट कर देश की सत्ता पर कब्जा किया? वहां के राष्ट्रपति रोच काबोरे का राष्ट्रपति पद से हटा दिया। बुर्किना फासो। 22 जनवरी 2022 को तेल कंपनी सेल ने अपनी स्थापना के कितने साल बाद अपने नाम से रॉयल डच शब्द से हटा लिया? 115 साल बाद। 22 जनवरी 2020 को किस अमेरिकी गायक और अभिनेता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? मीटलिफ को उनके एल्बम आई डू एनीथिंग फॉर लव के लिए उन्हें 1993 में ग्रैमी अवार्ड मिला था। 21 जनवरी 2020 को किस देश की महिला पायलट 19 साल की उम्र में दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है? बेल्जियम की जारा रदरफोर्ड। 21 जनवरी 2022 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने बच्चों के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? एंग्जायटी। 20 जनवरी 2022 को किस फ्रेंच अभिनेता का 37 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? गैस्पार उलियल का। 19 जनवरी 2022 को चेक रिपब्लिक की गायिका हाना होरका का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 57 वर्ष की उम्र में। हाल में ही माली के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम बुबाकर
केटा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 76 वर्ष की उम्र में। इब्राहिम केटा सितंबर 2013 में माली के राष्ट्रपति बने थे, वहीं अगस्त 2020 में इब्राहिम केटा को सैन्य तख्ता पलट के बाद अपदस्थ कर दिया गया। हाल में ही किस देश की सांसद यू संसद में सबसे कम उम्र की अध्यक्ष चुनी गई? माल्टा की सांसद रॉबर्ट मेथसोला। ये 43 वर्ष की हैं, इनका यह कार्यकाल 2.5 साल का होगा। वहीं रॉबर्टा इस पद निर्वाचित होने वाली तीसरी महिला हैं। हाल में ही इंडोनेशिया की जकार्ता की जगह किस शहर को देश की राजधानी बनाने का वाला बिल पास किया है? नुस्तारा। हाल में ही भारत की पड़ोसी देश नेपाल ने अपने किस प्रांत का नाम बदलकर मध्य प्रदेश करने का ऐलान किया है? प्रांत 2 का। हाल में ही दुनिया के सबसे उम्रदराज शख्स का कितने साल के उम्र में निधन हो गया? 112 वर्ष और 341 दिन। इनका नाम सैटर्निनो डे ला फुएंते गार्सिया था। ये स्पेन के रहने वाले थे। हाल में ही भारत ने ईंधन की खरीद के लिए श्रीलंका को कितने हजार करोड़ का कर्ज देने का ऐलान किया है? 3728 करोड़ रुपए। हाल में ही किसे ईरान का नया राष्ट्रपति चुना गया है? इब्राहिम रईसी को। धन्यवाद।